गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई संडे व्लॉग। अब बज रहे हैं सुबह के 9। रिधान ऑलरेडी उठ चुका है और अपने दादा दादी के साथ बाहर खेल रहा है। ही डज दैट एवरी डे, तो एवरी मॉर्निंग हिज दादा टेक्स हिम आउट। तो अभी वो बाहर है एंड आई जस्ट क्लीन अप द रूम एंड ऑल द मेस एंड लेट्स जस्ट बिगिन द डे। मैं अभी जस्ट बाहर निकली हूँ घर से। मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड यही सेम बिल्डिंग में रहते हैं एंड देव गॉट अस फिश फ्रॉम द मार्केट, सो आई जस्ट एम गोइंग टू पिक देम अप फिश रियल क्विकली। आई एम यूजिंग अ टिश्यू एक्चुअली सो दैट वी डोंट टच एनीथिंग। गुड मॉर्निंग। आफ्टर लॉकडाऊन एवढा टाइम नंतर कशी आहे? मस्त। तुम्ही कसे आहात? माझा फोटो काढतोय की नाही? मी व्हिडिओ काढते, थोडी व्लॉगिंग करते। तू अशी ही फिश घेऊन आली चालेल ना? फिश फिश वाला नहीं, फिश वाले नहीं है, हिंदी हिंदी नहीं। ये तो अभी फिश वाला आया हुआ है मैडम को अभी फिश लेने के देने के लिए। ये लो मैडम फिश। नहीं ये फिश वाले नहीं है जैसे मैंने कहा। ये पापलेट्स हैं। वाओ फ्रेश फ्रेश पापलेट्स फॉर मैडम के लिए। और ये नया नया बिजनेस हमने चालू किया है, होम डिलीवरी चाहिए तो बता दो। बता दो, होम डिलीवरी है। ये बोमिल है, बोमिल। और ये फ्रॉन्स है। थैंक यू मैडम सो मच हमारे लिए लाने के लिए एंड द रेसिपी आई विल शेयर इन टुडेज़ व्लॉग। बनाएंगे पापलेट मालवनी करी एंड कोलंबी दैट इज प्रॉन्स करी मालवनी स्टाइल। सो वो बनाएंगी मेरी मदर इन लॉ। वॉश करके उसको नमक डाल के आला लहसुनी की पेस्ट डाल के अभी कोकम का उसके ऊपर ये डाल रहा हूँ। ओके, वी कॉल दिस आगर। आगर दिस इज मेड आउट ऑफ कोकम। कोकम से बना होता है ये, तो ये मैरिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ये गाँव से भेजा है शायद या मेरी मदर लॉ की फ्रेंड ने भेजा है। ये मैरिनेशन के लिए यूज करते हैं। सो ये फिश मैरिनेट करने का कितना टाइम लगती है? इसको आधा घंटा लगेगा। okay. ऐसा ही रखना पड़ेगा पहला आधा घंटा। ओके okay. उसको ये लगने के बाद में ही उसको अपन आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ओके एंड नेक्स्ट वी आर पुटिंग इन सम लेमन ड्रॉप्स, नींबू।
अभी बज रहे दोपहर के 1:10। संडे इज ऑलवेज लेट बैक, बहुत लेट हो जाता है हर एक चीज़ को, क्योंकि फिश बहुत अलग अलग प्रकार के बनाने पड़ते हैं यहाँ पे, एंड एवरीबडी गेट्स अप लेट एंड देन वो सब धीरे धीरे होता रहता है। अभी हम लोग का किचन का काम ऑलमोस्ट होने आया है, वी ऑलमोस्ट डन कुकिंग। अभी मेरी मदर इन लॉ ने रिद्धू का पानी बॉईल करने रखा है, वी डबल बॉईल हिज वाटर, एंड यहाँ पे उसका राइस सीरियल जाएगा जो वो अभी आफ्टरनून के टाइम पे लंच पे खाता है। ही इज़ ऑलमोस्ट 7 months old, ही इज़ कम्प्लीटेड 7 months, 8 month रनिंग है, तो वो अभी राइस सीरियल आई थिंक 5th month से ही खाता है, जिसमें वी जस्ट वॉश द राइस, ड्राई इट एंड फिर उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के रखते हैं। सो जब प्रिपेयर करना होता है तो वाटर में, जो बॉइल्ड वाटर रहता है ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर में, वी पुट इन द सीरियल राइस का जो ग्राइंड किया हुआ पाउडर है, एंड देन उसको थोड़ा एक बॉयल आ पे वो थोड़ा सा ड्राई होता है, थिक हो जाता है, एंड देन आई सर्व हिम, शी ओनली बेसिकली फीड्स हिम। तो सारा लंच डिनर या जो भी खाना है वो रिदु को मेरी मदर इन लॉ ही खिलाती है। अभी फ़िलहाल हम सबका खाना बन चुका है, मैं पॉम्फ्रेट फ्राई नहीं खाती हूँ तो मैं उसको स्टीम करके खाती हूँ, आई लव ईटिंग दैट वे। तो मेरा सिर्फ वो काम बाकी है, बाकी रोटी वोटी सब बन गया है। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट ऑल थिंग्स वी प्रिपेयर्ड टुडे संडे। पॉम्फ्रेट फ्राई बन चुका है, दिस इज प्रॉन्स का करी दैट आई हैव मेड, दिस इज पॉम्फ्रेट का करी दैट माई मदर इन लॉ हैज मेड, चपाती हो गया है, राइस बन गया है, एंड ये रिदु का खाना चल रहा है। सो इवन इफ इट इज़ 1:10 मैं अभी तक नहा ही नहीं हूँ, सब लोग नहा चुके हैं, मैं नहीं नहाई हूँ बिकॉज रिदु को मैं मालिश करके नहला के फिर नहाती हूँ। सो बेसिकली हैव टू बेद हिम फर्स्ट एंड देन आई इट कैन टेक अ बाथ, बिकॉज फिर उसको नहलाते वक्त मैं पूरी गीली हो जाती हूँ, तो इट डजेंट मेक सेंस कि मैं पहले नहा लूँ। तो अभी मैं खाना खाने के से पहले ही वो उठ चुका है, उसका मॉर्निंग नैप हो गया है। अभी फ़िलहाल मैं उसको मालिश करने लेके जाती हूँ, फिर नहला के खुद नहा के एंड देन आई हैव द फूड। आई एम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो एनी वे आई हैव माई फर्स्ट मील 12 के बाद, बट संडे को यूजुअली लेट हो जाता है, रात को भी लेट खाते हैं, तो फिर इट इज़ ओके, वो 8 घंटे का विंडो मैं मैनेज कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो सुबह उठ के कुछ नहीं, अपना जीरा एंड अजवाइन का पानी आई हैव हैड, नथिंग एल्स। फिर अभी ये सब होने के बाद पता नहीं अभी कितने बज जाते हैं, लेट्स सी हाउ द संडे गोज, रेस्ट ऑफ द संडे। तो अभी बज रहे 2:30, नहा के खाना खा के हो गया है, कुणाल और मेरे फादर इन लॉ हाय बोलो, हाय, दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, बाकी हम तीनों ने खा लिया है। अंदर की मेरे इन लॉज के रूम की एसी ख़राब हो गई है, तो कोई रिपेयरिंग के लिए आया है, तो कुणाल उनके साथ है, तो जब हो जाएगा तो वो खाना खाएंगे, एंड वो अपने बेटे के लिए रुके हैं खाना खाने के लिए, तो वो दोनों साथ में खाना खाएंगे। अब मैं करूँगी बहुत बेसिक सा जो मेरा डेली स्किन केयर रूटीन है, जस्ट दैट। तो ये टोनर है, ये ओरिफ्लेम का टोनर है, मैं इसको हल्के से हाथ पे लेके सिर्फ अपने स्किन में पैट करती हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया ऑलरेडी, ओरिफ्लेम का ही फेस वॉश है मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप है सीरम, आई एम यूजिंग दिस न्यूट्रीजीना हाइड्रो बूस्ट सीरम, ये मैंने अभी चालू किया लगाना, आई एम नॉट श्योर इसका असर कुछ होता भी है कि नहीं। सेम आई जस्ट रब इट इन माई हैंड्स एंड पैट इट इन माई स्किन। नेक्स्ट आई एल बी पुटिंग माई बॉडी शॉप का विटामिन ई क्रीम, एक्चुअली ये इमल्जन है नॉट अ क्रीम। बहुत फैंसी सा कोई स्किन केयर नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक बट इट इज़ रिक्वायर्ड। ज़्यादा नेवर रब योर स्किन लाइक टू मच, आई हैव अ वेरी बैड डार्क सर्कल गोइंग ऑन बिकॉज दिस स्लीप स्केड्यूल बहुत अनसर्टन रहता है, डिपेंड्स रिदु कब उठता है कब सोता है,
overnight. So that is why the dark circles. Last, घर पे हो, बाहर हो, wherever you are, you need a sunblock, you need a sunscreen. This is Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock. This is the last step. So you basically go from the thinnest, सबसे पतला क्रीम या लोशन से आपको सबसे थिकेस्ट पे जाना. ये मेरा थिकेस्ट है तो ये सबसे ऊपर जाएगा. डू नॉट फॉरगेट योर आईज. हल्के हाथों से, डोंट रब इट. दैट्स इट. आई डोंट पुट एनीथिंग एल्स पूरे दिन में ऑन माय स्किन. That's it. So I have a very frizzy hair on top of it after delivery. बहुत ज़्यादा बाल मेरे झड़ गए हैं. Everybody goes through it. तो because ये सामने का section जो मेरा curly है, I don't like keeping it this way. So I just straighten the front portion, or you say the crown hair. This is my Philips straightener. That's it. I washed my hair today. अभी बज रहे 5:45. इट्स टाइम फॉर मी टू वर्कआउट. आई हैव चेंज्ड इनटू माय वर्कआउट क्लोथ्स. आज एक्चुअली मेरा रेस्ट डे है, बट देन आई वाज बोर्ड एंड आई थॉट लेट्स जस्ट थोड़ा सा तो बॉडी मूव करना चाहिए दिन में, आई गेस. तो अभी आदत हो गई है. सो आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ. एंड आज सब काम होते होते ऑलरेडी 4 बज गया, तो रेस्ट तो मिली नहीं. ऊपर से जो 1 घंटा बीच में मिला उसमें रिधान ने बिल्कुल चैन से बैठने नहीं दिया. अभी वो सो गया है फाइनली, एंड नाउ आई कैन वर्कआउट. एटलीस्ट 40-45 मिनट्स कर लूँगी. एंड लेट्स गो. सो आई जस्ट फिनिश्ड वर्किंग आउट गाइस. मैंने अब तक स्ट्रेचिंग भी नहीं किया, कूल डाउन भी नहीं किया. मैंने 45 मिनट्स वर्कआउट किया. फर्स्ट मैंने एक HRIT हिट वर्कआउट किया पामेला रीफ का, एंड देन आर्म्स वर्कआउट किया क्लोई टिंग का. एंड बॉय आई एम डेड. अभी फिलहाल मैं थोड़ा कूल डाउन स्ट्रेच करके, चेंज करके, रैपअप करके थोड़ा कुछ खा लेती हूँ.